आज ही हमारे पास में एक MZ का स्पीकर आया है। इसमें क्या दिक्कत है फ्रेंड्स, इसका ये जैक टूट गया है। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि इजीली आप अपने घर पे कैसे जैक लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, स्पीकर बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। वेलकम टू MZ म्यूजिक वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, हम इसको ओपन कर लेते हैं। पहले आपने इजीली इसकी जाली ओपन कर लेनी है। ये यहाँ से, ये फ्रेंड्स इसकी जाली खुल चुकी है, तो आपने इसको साइड में रख देना है। फिर फ्रेंड्स आपको चाहिए स्क्रू ड्राइवर एक, इसकी मदद से आपने इसके स्क्रूज खोल लेने हैं सारे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस स्पीकर को खोल लिया है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स इसका हम अब बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। ये फ्रेंड्स निकल चुका है। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए इसके सारा ट्रैक्स वगैरह सब उखड़े हुए हैं फ्रेंड्स। तो हम आज आपको सिखाएंगे, अगर ये सब कुछ उखड़ भी जाए तो भी आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने इसमें क्या करना है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये ट्रैक दिख रहा होगा, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आपका प्लस पॉइंट होगा, जो आप जैक लगाओगे उसका प्लस पॉइंट है ये। और फ्रेंड्स माइनस पॉइंट आपने यहाँ से ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, एंड अदर ये भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स हम जल्दी से इसकी वायरिंग जोड़ते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हमने इसमें वायरें जोड़ ली हैं। एक फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ली है, ये प्लस पॉइंट है आपका और ये माइनस पॉइंट है। फ्रेंड्स आपने एक इस टाइप का जैक ले लेना, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है आपकी लोकल मार्केट में, एक ऐसा जैक ले लेना आपने। और इसकी फ्रेंड्स आपने एक बार इसको फ्रेंड्स छील लेना आपने वायर को। और फ्रेंड्स इसमें आपको दो वायर्स मिलेंगी, ये आपकी प्लस वायर होगी, ये आपकी माइनस वायर होगी। तो फ्रेंड्स हम कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको बंद कर दिया है, इसके अंदर से हमने दो वायर्स निकाल ली हैं। आपने फ्रेंड्स अब ये जैक ले लेना, इसकी थोड़ी कटिंग कर लेनी है ईजिली। फ्रेंड्स उसको अपने वायर को कट कर लेना एंड शोल्डर कर लेना। या फ्रेंड्स हमने अपना एक प्लस ले रखा, एक माइनस ले रखा, वैसे आपने अपना देख लेना, उल्टा नहीं लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस वायर को आपने इसके ऊपर मेल्ट कर देना, थोड़ा सा वायर को आप कट कर लीजिए, इसको फ्रेंड्स थोड़ा सा आप छील लीजिए। ये देखिए आपने इस प्रकार से इसको फ्रेंड्स आपने जोड़ देना। फिर फ्रेंड्स हल्का सा आपने पेस्ट का यूज़ करके देन आपने इसको शोल्ड कर देना। शोल्ड फ्रेंड्स प्रॉपरली करना। फ्रेंड्स हमारी वायर प्रॉपरली शोल्ड हो चुकी है। दूसरी वायर को फ्रेंड्स सेम इसी प्रकार से आपने शोल्ड कर लेना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने सेकेंड वायर को भी प्रॉपरली अब शोल्ड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपने पेस्ट लगा देना देन शोल्ड कर देना। फ्रेंड्स शोल्ड हो चुका, आपने हल्का सा इसको कट कर देना। फ्रेंड्स बंद करने से पहले आपने एक बार अपना अडाप्टर लगा के चेक कर लेना कि फ्रेंड्स आपकी LED ग्लो हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मैं लगाया इसमें ये, तो फ्रेंड्स परफेक्टली आप देख सकते हैं, ईजिली रेड लाइट इंडिकेट कर रही है। तो फ्रेंड्स ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऐसी ही नई नई वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।